एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सोमवार को हुई हिंसा के बाद एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई खुली अदालत में आज दोपहर 2 बजे शुरू हो गई है। केस की सुनवाई जस्टिस आदर्श कुमार गोया और जस्टिस यू ललित को की अगुवाई में होगी। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अभी भी हालात काफ़ी मुश्किल हैं। देश भर में इस प्रदर्शन की वजह से 13 लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं। इसके अलावा हजारों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार की ये अपील है कि कोर्ट को जल्द से जल्द मामले की सुनवाई करनी चाहिए। एससी एसटी एक्ट के में बदलाव पर देश भर में दलित संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई और सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन ये भारत बंद हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। अभी तक इसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड इस प्रदर्शन से ज़्यादा प्रभावित हैं। बंद का असर देश के 12 राज्यों में खास तौर पर देखा गया। सबसे ज़्यादा हिंसा उन राज्यों में देखने को मिली जहाँ इस साल में आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अब यह मुद्दा राजनीतिक रूप भी ले चुका है। कई राजनीतिक पार्टियां इस एक्ट का विरोध कर रही है तो कई पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री और भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी। ये गाइडलाइन महाराष्ट्र के एक मामले में हुई सुनवाई के बाद जारी की गई थी, जिसके बाद इसे तुरंत लागू कर दिया गया था। फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाएगी, आरोपों की पुख्ता जांच के बाद केस दर्ज होगा और डीएसपी स्तर के अधिकारी आरोपों की जांच करेंगे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत भी मिल जाएगी। सीनियर अफसर की इजाज़त के बाद ही सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तारी की जा सकेगी। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।